क्या लड़ाई चल रही है? इस जंगल का पुराना राजा नहीं रहा, अब तुम्हारा नया राजा हूँ मैं। शेर खान नहीं रहा क्या मोगली? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता तो है टबाकी, देखो हिल भी नहीं रहा। ध्यान से मोगली। पीछे हटो मोगली। धत तेरे की, अगली बार छोड़ूंगा नहीं। मेरी मम्मी कहाँ है? मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये तो बड़ा बच्चा बन गया। आज के बाद तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं मोगली। होश में आओ शेर खान, ऐसी बातें मत करो, जाग जाओ। टबाकी ऐसी बातें मत करो, तुम्हें दिखाई नहीं देता वो होश में नहीं है? हाँ हाँ दिख रहा है मुझे ये पंगू शेर खान। अब मेरे खाने का इंतजाम कौन करेगा? अब मेहनत करनी पड़ेगी। अरे रोना बंद करो शेर खान। मेरा पेट खुजाओ ना, प्लीज खुजाओ ना। ये सब ठीक नहीं है मोगली। पता है, पर हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। इस जंगल में बच्चे सबका निशाना बनते हैं बलू। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं शेर खान की मदद करने के लिए? पक्का कह रहे हो? टाइम नहीं है, बाय। नहीं रुको ना, प्लीज दाजी, हमें इसे शिकार करना सिखाना होगा, वरना ये भूखा मर जाएगा। पर ये एक बाघ है और ये मुझ जैसी ननी सी जान को निगल जाते हैं। पकड़ लिया। वो तुम्हें नहीं खाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हंस हंस के पेट दर्द कर रहा है शेर शेर खान, बच्चा बन गया। बच्चा कितना प्यारा है, पर शक्ल से तो बुढ़ा बाघ ही है। ठीक है मोगली, बताओ क्या करे। मुझे देखो शेर खान, पहले तुम्हें डाजी का पीछा करना होगा, इस तरह चुपके चुपके बिना आवाज किए, और जब उसके पास पहुंच जाओ तो उस पे पड़ो। ठीक है मैं करूंगा, मुझे करने दो ना। इसे कुछ समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये बच्चा कुछ सीखने के लिए ज्यादा ही बड़ा है। मेरा यकीन करो जकाला, वो किसी काम का नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ उसे किनारे करो और बन जाओ इस जंगल के राजा। हाँ बोलो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, उसे लालच देकर नदी के पास ले आऊंगा। आज के बाद हम दोनों पार्टनर बन सकते हैं। मुझे बदले में बस कुछ कतरे दे देना और मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। डील करे हा? बोलो। शेर खान को नदी के पास ले आओ। ओके मेरे नए पार्टनर। बेवकूफ कहेगा। रुको रुको रुको, गुदगुदी बंद करो। लटकन चिड़िया क्या कर रही हो? शेर खान गया काम से, अब इसमें वो पुरानी वाली बात नहीं रही। ये तो अब तितली का शिकार भी नहीं कर पाएगा। माफ करना मोगली, अब हमें घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे इससे कुछ भी नहीं सीखना है मोगली, मुझे इससे डर लगता है। बलू हमारा दोस्त ही है शेर खान,
ये तुम्हें हिम्मत से दूसरों का सामना करना सिखाएगा। कुची कुची कु। यकीन मानो तुम्हें मजा आएगा। ये बिल्कुल लुका छुपी खेलने जैसा ही है। ठीक है, पर ये बहुत डरावना है। यहाँ वो मुझे नहीं देख पाएगा। ओह, ये जाबाज बाघ आखिर कहाँ छुप गया? यहीं आसपास छुपा होगा। पकड़ लिया। रुको, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा था। ओ बलू, जिसका डर था तुमने वही किया। मैंने क्या किया है, वो कुछ ज्यादा ही डरपोक है। खामोश, हंसना बंद करो बघीरा, ये कोई मजाक की बात नहीं है। क्या करूं, वो मुझे अगर उसका कोई शिकार कर लेगा तब भी तुम ऐसे ही हंसोगे। अब चलो भी, इससे पहले कि कुछ बुरा हो हमें उसे ढूंढना होगा। आखिर तुम कहाँ हो मम्मी? ओ, बेचारे छोटू बच्चे, तुम कहीं खो गए हो क्या? दूर हो जाओ, तुम तो वही हो ना, मतलब ही कहीं के? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ शेर खान। तुम अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो ना, मुझे पता है वो कहाँ है। सच में? वो वही है जहाँ तुमने छोड़ा था शेर खान, वो नदी के पास बैठी है। मम्मी। अगर कोई शिकारी उसे पकड़ ले तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। मोगली की बात सही है, जब तक शेर खान इस हालत में है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बलू, बहिरा, मुझे वो दिख गया, टबाकी भी उसके साथ है, वो नदी की तरफ जा रहा है, जल्दी चलो। जरूर टबाकी की कोई चाल होगी, जल्दी चलो। तुम दोनों जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। रुक जाओ। ये तो मोगली है। अरे छोड़ो उसे, वहाँ तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मम्मी। बचाओ। देखो इसे मैं ले आया जकाला, मैंने अपना वादा निभाया ना। खबरदार जो आगे बढ़े जकाला। तुम सबके दिमाग में भूसा भरा है क्या? तुम्हें जो समझना है समझो। बचाओ मम्मी। इन सबको खा जाओ जकाला, बस मेरे लिए लेग पीसेस बचा देना ठीक है। चिपको कहेगा, आज तो तू नहीं बचेगा शेर खान। जकाला कुछ सोचो बलू, जल्दी से कुछ करो। शेर खान इस जकाला के बच्चे से आसानी से निपट लेगा, बस एक बार इसकी याददाश्त वापस आ जाए। एक मिनट, एक आइडिया है। अरे नहीं नहीं बघीरा, ऐसा सोचना भी मत। ये कोई बच्चा नहीं, ये हमारा जानी दुश्मन है। बात समझो मोगली, बस एक घूंसा मारूंगा, इस मोटी बुद्धि को पता भी नहीं चलेगा। होश में आ गया शेर खान। लगता है मेरा निशाना चूक गया। सबको टाटा बाय बाय कर दे शेर खान। उसे छोड़ना मत जकाला। ये हो क्या रहा है? माहौल पहले की तरह हो गया। कौन जकाला, तुम राजा बन सकते हो। हाँ Yeah.
क्या बकवास कर रहा था तू? नहीं कुछ नहीं शेर खान। तू उस चकाला के राजा बनने की बात कह रहा था ना? अरे कोई बचाओ! खाली घोंसला, एक भी अंडा नहीं। नो टेंशन, तुम्हारे अंडे सुरक्षित हैं। ओ मेरे बच्चे, इन्हें कुछ नहीं हुआ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें अंदाजा भी है क्या हो सकता था? तुम फिक्र मत करो वीरा, हमारे अंडों को कुछ नहीं होगा, हम नया घोंसला बना लेंगे। अच्छा, उस दौरान हमारे इन अंडों को सुरक्षित कौन रखेगा? मैं हूँ ना, तुम चाहो तो मैं इन्हें गर्म रख सकता हूँ, मैंने ऐसे सूरज में तपा सकता हूँ। वैसे मोगली का आइडिया बुरा नहीं है, है ना? तुम्हें लगता है हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, मैं पूरी हिफाजत करूँगा। हाँ वो तो करनी पड़ेगी, अंडे बहुत नाजुक होते हैं। चलो वीरा, अब घोंसलों के लिए कुछ टहनियाँ इकट्ठा कर लें, हम जल्द ही लौटते हैं मोगली। आराम से, मैं हूँ ना, इन अंडों को कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, अब गर्माहट कैसे लगेगी? मोगली, मैं कुछ मदद करूं? नहीं तो मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, क्यों पूछा? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, पक्का तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं? नहीं, दरअसल मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। मुझे वो चार अंडे दे दो। नहीं का, ये तुम्हारे नहीं है, अभी तुम्हें किसी और से काम चलाना होगा। ओहो, बादल छा गए हैं, पता नहीं वहाँ मोगली हमारे अंडों को गर्माहट कैसे देगा। उस पर भरोसा रखो, अब चलो जल्दी जल्दी काम करो। घोंसले को अच्छी तरह बांधने के लिए तुम जाकर थोड़ा सा मकड़ी के जाले का धागा ला सकते हो। ये तो बढ़िया आइडिया है, इससे हमारा घोंसला फिर कभी नीचे नहीं गिरेगा, है ना? मैं अभी आता हूँ। तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। टेंशन मत लो अंडो, सूरज ढक गया तो क्या हुआ, मेरे पास तुम्हें गर्म रखने का बढ़िया आइडिया है। बेवकूफ बनाया, अब मेरी बारी है मोगली। वीरा, जाओ, जल्दी! अरे नहीं! वीरा, जल्दी आओ! बाल बाल बचा, शुक्रिया वीरा, वरना आज तो उसका काम बन ही जाता। आज से पहले इतना बुरा दिन मैंने कभी नहीं देखा। इतना मत सोचो वीरा, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, अब चलो हमें जल्दी से मोगली से अपने अंडे लेने होंगे।
क्या क्या हुआ? बोलो, तुम्हारी मदद चाहिए, बहुत जरूरी काम है। मैंने पक्षियों का घोंसला गिरा दिया, इसलिए उनके अंडों की रखवाली कर रहा हूँ, पर काँ मेरे पीछे पड़ा है और वो इन्हें खाना चाहता है। तुम इन अंडों को गर्म रख सकते हो? क्या करना है? सावधानी से रखना, बहुत नाजुक है ये। मुझे अभी इनके मम्मी पापा के पास जाना होगा और साथ ही मुझे काँ को भी चकमा देना है। मैं जल्द ही इन्हें लेने आऊंगा। हाँ, पर मोगली मेरी बात। शुक्रिया बलू। ये क्या? तुम कहाँ चले गए थे? जानते हो कितना घबरा गए थे हम। और हमारे अंडे कहाँ हैं? तुम्हारे अंडों के पीछे का पड़ा हुआ है, पर टेंशन मत लो, अंडे बलू के पास सुरक्षित हैं। का? वो तो अंडे खाने वाला जालिम अजगर है। पर मैं उसे सबक सिखा दूंगा और वो तुम्हारे अंडों का पीछा करना छोड़ देगा। ठीक है, पर जल्दी करो मोगली, अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द हमें घोंसलों में लाना होगा। मैं तुम्हारे अंडे लाता हूँ और तुम इन पत्थरों को रखो। और तुम्हें बी रॉक के पहाड़ी के ऊपर बांस का घोंसला पता है ना? अरे बाबा, देखो तो मुझे कौन मिल गया। ओह का, तुम यहाँ कैसे? बताओ सब कैसा चल रहा है? हाँ, वो सब छोड़ो, तुम्हारा दोस्त मोगली कहीं दिखा क्या तुम्हें? नहीं, वो मेरा मतलब है, हाँ नहीं शायद, हाँ दिखा था। हाँ, शरारती कहीं गए। अब बताओ जरा कहाँ गया है वो नटखट? वो उस तरफ गया है। समझ नहीं आया, किस तरफ दिखा रहे हो बलू? उस तरफ गया है वो। तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है बलू, अब बता भी दो क्या परेशानी है। बलू, घबराने की कोई बात नहीं, मैंने अंडों को बांस के घोंसले में रख दिया है पहाड़ी के ऊपर। का तो वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। का, तुमने मेरी बात सुन ली क्या? अरे नहीं, बिल्कुल इंसानी बच्चे। शुक्रिया, तुमने मुझे मेरे लंच करने की जगह बता दी। अब तक की सारी मदद के लिए शुक्रिया, वाकई तुम जैसे दोस्त कम ही होते हैं। इस बार तुमने मुझे हरा दिया का। हाँ, वैसे आज ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ बना सकता हूँ मोगली। मिलते हैं लंच के बाद। हाँ, करना लंच, पत्थरों को चबा चबा कर खाना। ये सब क्या चल रहा है मोगली, कितनी बार कहा है। ये आवाज कैसी थी बलू? अरे नहीं, इस अंडे से तो बच्चा निकल रहा है। ओ, ध्यान से मोगली, अगर बच्चे ने तुम्हें पहले देख लिया तो वो तुम्हें अपना पापा समझ बैठेगा। मेरे पीछे आओ। जल्दी बलू, और तेज। इसके मम्मी पापा भी अब तक आ गए होंगे। अरे नहीं, क्या बात है बलू, अब चलो, तुम्हारा एक अंडा फूटने वाला है। क्या कह रहे हो, जल्दी ऊपर आ जाओ, हम तैयार हैं। मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोगली। जरा इसे तो देखो, हम इनका नाम क्या रखेंगे? मोगली और बलू कैसा रहेगा? Ha 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 ha!
लगता है ये अंडे मेरे किस्मत में ही नहीं।